हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं सफारी की तरफ से आने वाला ये सूटकेस ट्रॉली बैग, जिसे मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से एंड ये मुझे बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे मिला है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कैसा है ये सूटकेस, क्या है इसके स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी एंड किस प्राइस पे मैंने इसे परचेस किया है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है अगर आप एक नया सूटकेस परचेस करने का सोच रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हो सकता है आपको ये सफारी का सूटकेस पसंद आ जाए। साथ में अगर आप इस तरह के अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट डील्स एंड ऑफर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमें फॉलो कर लीजिए। हम वहां पर आपके लिए हर दिन अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट डील्स एंड ऑफर्स लाते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स पैकेजिंग में ये सूटकेस हमें मिला है। पैकेजिंग बहुत ही अमेजिंग की गई है एंड कुछ इसी तरह के पैक में ये हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से डिलीवर किया गया था। तो चलिए कट करते हैं इस बॉक्स को एंड आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये सफारी का सूटकेस ट्रॉली बैग। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये सूटकेस है, देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। आपको फ्रंट साइड में ये चेक पैटर्न देखने को मिलेगा, मतलब स्क्वायर स्क्वायर शेप में है, तो ये इसके लुक्स को और भी ज़्यादा इन्हांस कर रहा है। बीच में सफारी की ब्रांडिंग की गई है काफ़ी अच्छे से इस ब्लू कलर में हाईलाइट करके। साथ में ये जो केस है ये एक हार्ड केस है, आप देख सकते हैं काफ़ी हार्ड केस है ये एंड आज के डेट में आपको सॉफ्ट केस के बजाय हार्ड केस वाला ही सूटकेस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट केस उतना ज़्यादा सेफ नहीं होता है एंड हार्ड केस में आपके जो बिलोंगिंग्स है वो ज़्यादा सेफ रहते हैं एज कम्पेयर टू सॉफ्ट केस। एंड इस सूटकेस का मैंने ये ब्लैक कलर परचेस किया है। ये इसके अलावा काफी सारे कलर्स में अवेलेबल है, रेड, सिल्वर, ब्लू, मल्टी कलर, ब्लैक एंड येलो, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी परचेस कर सकते हैं। साथ में ये जो साइज है ये है मीडियम 65 सेंटीमीटर वाला। इसके साथ ही ये काफी सारे साइजेज में भी अवेलेबल है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी परचेस कर सकते हैं। अगर साइज अवेलेबिलिटी की बात की जाए इस सूटकेस में तो वो आपको मिलेगा 55 सेंटीमीटर स्मॉल, 56 सेंटीमीटर स्मॉल, उसके साथ ही ये वाला 65 सेंटीमीटर मीडियम, इसके अलावा 66 सेंटीमीटर मीडियम एंड 77 सेंटीमीटर लार्ज आपको इसमें मिलता है। 77 सेंटीमीटर वाला लार्ज सूटकेस का वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, आप हमारे चैनल के ट्रैवलिंग सेक्शन वाले प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सो अब इसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको इसका प्राइसिंग बता देता हूं। तो सबसे पहले आप इसका एमआरपी देख लीजिए, इसका एमआरपी यहां पर बहुत ज्यादा दिया हुआ है 9,890 रुपीज, लेकिन इसे मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से सिर्फ 2,500 रुपए का। लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप फर्स्ट लिंक क्लिक करके इस सफारी के सूटकेस को परचेस कर सकते हैं एंड अगर आप इसे हमारे लिंक से परचेस कीजिएगा तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस इसमें मिलेगा। सो दोस्तों, अब एक एक करके इसके बेनिफिट के ऊपर बात करते हैं। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये एक हार्ड केस सूटकेस है, यानी कि इसका जो आउटर मटेरियल है ये हार्ड केस है, जिसकी वजह से आपके बिलोंगिंग्स काफी ज्यादा सेफ होते हैं एंड ये जो मटेरियल इसमें यूज किया गया है ये है पॉलीकार्बोनेट, जो बिल्कुल स्क्रैच रेसिस्टेंट है, जिसकी वजह से स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगेंगे आपके बैग में एंड पॉलीकार्बोनेट बना देता है आपके प्रोडक्ट को काफी ज्यादा स्टर्डी, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है एंड ड्यूरेबल होने के साथ साथ ये आपके बिलोंगिंग्स को काफी अच्छे से सेफ रखने में मदद करेगा, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट जल्दी फटता नहीं है एंड काफी अमेजिंग मटेरियल होता है। लाइट वेट में आपको अच्छा खासा क्वालिटी इसमें मिलने वाला है एंड वेट की बात हो ही रही है तो हम आपको बता दें कि ये बैग का वेट भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 kg का है एंड 3 kg भी अगर आपको हेवी लग रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके कन्वीनियंस के लिए यहां पर व्हील्स दिए हुए हैं एंड ये व्हील्स 360 डिग्री मूव करते हैं, जिसकी वजह से आप इसे कहीं भी लेकर आराम से ट्रैवल कर पाइएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथली ये मूव करता है, 360 डिग्री मूव करता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ये व्हील्स दिया हुआ है इस वाले ट्रॉली में। इसके साथ ही पीछे की साइड में भी यही
चेक पैटर्न को कंटिन्यू किया गया है, काफी अमेजिंग लगता है देखने में। एंड इस चेक पैटर्न की खास बात यह है कि ये थोड़ा सा अंदर की साइड में है, जिसकी वजह से लगता है ऐसा कि ये 3D प्रिंटेड है। बहुत ही अमेजिंग लगता है देखने में। एंड ये चेक पैटर्न इस वाले बैग का लुक्स को काफी ज्यादा इन्हांस कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टैग दिया हुआ है जिसमें काफी सारे डिटेल्स हैं, लाइक फैक्ट्री डिटेल, कस्टमर केयर नंबर, ईमेल आईडी। तो अगर आपको कोई क्वेरी होती है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप डायरेक्टली इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बारकोड भी है जिसे आप स्कैन करके देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल सफारी का प्रोडक्ट है या नहीं। एंड इस प्रोडक्ट में मिलता है 5 ईयर्स की इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक वारंटी, जिसकी वजह से आप आराम से इसे यूज कर पाइएगा। एंड कंपनी ही क्लेम कर रही है कि आप 5 साल तो इसे आराम से यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके साथ ही आप सफारी का बैग्स इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.safaribags.com से भी परचेस कर सकते हैं। इसके साथ ही ये सारे मार्केट प्लेस में भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो कहीं से भी इसे परचेस कर पाइएगा। तो अब आ जाते हैं इस वाले मेन हैंडल के ऊपर, जिसकी मदद से आप इस ट्रॉली को खींच कर लेके जाइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा हार्ड ब्लैक प्लास्टिक यूज किया गया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये प्लास्टिक है। एंड इस हैंडल में भी यही प्लास्टिक यूज किया गया है। इसके साथ ही अंदर के साइड में ये मेटल यूज की गई है। एंड बटन की जो क्वालिटी है वो भी टॉप नॉच है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये स्लाइड होकर बाहर आ जाता है एंड लॉक हो जाता है, आपको यहाँ पर भी कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही इस हैंडल को बनाया ही ऐसा गया है कि ये आपके हाथ में काफी अच्छे से फिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मेरे हाथ में फिट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही है। एंड यहाँ पर जो ये क्वालिटी यूज की गई है ये काफी ज्यादा फाइन क्वालिटी है। एंड सिंपली आप इसे क्लोज कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इस बटन को प्रेस कीजिएगा और ये क्लोज हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हैंडल दिया हुआ है, क्वालिटी में कहीं पर भी आपको कंप्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा कंपनी की तरफ से। एंड हैंडल की बात हो ही रही है तो ये हैंडल पे भी आप ध्यान दीजिए, इसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसमें हल्का सा पियानो फिनिश दिया हुआ है, इसके साथ ही दोनों साइड में हार्ड प्लास्टिक मटेरियल यूज की गई है, तो काफी ज्यादा ये भी स्टडी है। एंड ये आराम से आपके हेवी वेट बैग को संभाल लेगा, ये टूटेगा नहीं। तो आपको हर जगह पर देखने को मिलेगा कि जो क्वालिटी है वो अच्छी यूज की जा रही है सफारी की तरफ से, कहीं पर भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं है। इस साइड में भी एक हैंडल दिया हुआ है, इसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल इसमें भी फाइन क्वालिटी पियानो फिनिश दी हुई है। एंड दोनों साइड में हार्ड प्लास्टिक मटेरियल दिया हुआ है, तो सारे ही हैंडल्स बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के दिए गए हैं कंपनी की तरफ से। एंड इस साइड में ये 4 स्टैंड्स दिए हुए हैं जो इस बैग को कुछ इस तरह से स्टडी रखने में मदद करता है। आप आराम से कुछ इस तरह से इसे स्टैंड करके रख दीजिएगा फ्लोर में, तो ये उधर उधर नहीं जाएगा, आराम से एक जगह पर होल्ड रहेगा, क्योंकि इस स्टैंड में यहाँ पर टेक्सचरिश डिजाइन है एंड हार्ड प्लास्टिक मटेरियल यूज किया हुआ है, तो क्वालिटी अच्छी दी गई है कंपनी की तरफ से। तो अब चलिए ओपन करते हैं इस बैग को एंड आपको दिखाते हैं कि अंदर के साइड में कितना स्पेस है। एंड इस साइड में यहाँ पर ये पासवर्ड लॉकिंग दिया हुआ है, जिसमें आप अपना मनपसंद 3 डिजिट का पासवर्ड लगा के इस बैग को यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। एंड ओपन करने के लिए सिंपली आपको ये बटन को कुछ इस तरह से प्रेस करना है एंड ये लॉक ओपन हो जाता है। एंड कुछ इसी तरह से आप इसे लॉक भी कर पाइएगा, सिंपली आप कुछ इस तरह से इसे प्रेस कर दीजिए एंड ये लॉक हो जाता है। दोनों जीपर को आप कुछ इस तरह से लॉक कर सकते हैं बहुत ही आराम से, कोई भी प्रॉब्लम आपको इसे लॉक करने में नहीं होने वाली है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसे लॉक कर दिया है। एंड जैसे आप इस पासवर्ड को घुमा दीजिएगा उसके बाद ये लॉक हो जाएगा। अभी तो कंपनी की तरफ से ये 000 आया हुआ है, आप इसमें अपना मनपसंद पासवर्ड लगा सकते हैं एंड आराम से यूज कर सकते हैं इस वाले बैग के लॉक को। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस लॉक के ऊपर भरोसा ना करके आप एक छोटा सा ताला खरीद लीजिए, वो आपके बैग को ज्यादा सेफ रखेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हार्ड प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है एंड अंदर के साइड में मेटल यूज की गई है। नो डाउट ये भी बहुत ही अच्छा लॉकिंग सिस्टम है, लेकिन एक छोटा सा आपके पास लॉक रहेगा तो वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा यूज करने में, क्योंकि बहुत ज्यादा ओल्ड एज वाले पीपल्स अगर एक बैग यूज करते हैं तो उन्हें ये पासवर्ड वाला सिस्टम समझ में नहीं आता, काफी दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप लॉक्स यूज कर सकते हैं। एंड टिपिकल इंडियन है आप तो लॉक ही यूज कीजिएगा एज कम्पेयर टू दिस पासवर्ड वाला सिस्टम। वैसे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हैसल फ्री है, लेकिन आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी लॉक यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब ओपन करते हैं इस बैग को एंड आपको दिखाते हैं कि अंदर के साइड में आपको कितना स्पेस मिलता है एंड कैसे आप पैकेजिंग वगैरह कर सकते हैं एंड कैसी क्वालिटी अंदर के साइड में यूज की गई है। एंड ये जो जिपर दिया गया है ये भी बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी का है, इसमें भी सफारी की ब्रांडिंग की गई है एंड आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग क्वालिटी का ये जिपर है। एंड ये जिपर जल्दी खराब नहीं होने वाला है, अच्छी क्वालिटी का जिपर इसमें यूज किया हुआ है। एंड ये जो जिपर की क्वालिटी है ये भी बहुत ही अच्छी है, पूरा मेटल
मटेरियल से बना हुआ है ये, एंड दोनों साइड में ये रबराइज्ड पैटर्न यूज की गई है ताकि ये जिपर फटे ना। तो दोस्तों अंदर के साइड में कुछ इस तरह का स्पेस मिलता है, बहुत ही अच्छा और अमेजिंग स्पेस दिया हुआ है, क्योंकि ये वन साइड नहीं है, ये ट्विन साइड पैक है, यानी कि आप दोनों साइड में अपने क्लोथ्स या फिर बिलोंगिंग्स को पैक करके रख सकते हैं। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी है जिसमें कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं कि कैसे आप इसके लॉक को यूज कर सकते हैं। तो लॉक को यूज करना बहुत ही ईजी है, तो आप चाहें तो इसे स्क्रीन शॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो इसे रखते हैं साइड में, बात करते हैं इस बैग के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि ये कंपार्ट है जिसमें आप अपने क्लोथ्स वगैरह को रखकर काफी अच्छे से इस बेल्ट की मदद से दबाकर रख सकते हैं। इसमें इलास्टिक यूज किया हुआ है तो ये आपके क्लोथ्स को अच्छे से प्रेस कर देता है, इसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइज्ड क्लोथ्स आराम से रहते हैं। उसके साथ ही दूसरे साइड में एक ये बैग जैसा कंपार्टमेंट दिया हुआ है जिसमें एक जिपर भी है, तो मैं इसे ओपन करके दिखाता हूं। एंड आप देख सकते हैं इस जिपर की भी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, ये एक क्रीम कलर का जिपर इसमें यूज किया हुआ है। एंड आप देख सकते हैं कुछ इस तरह स्पेस इस साइड में भी है, इस साइड में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस है एंड इस साइड में थोड़ा सा कम है। इस साइड में आप अपने शूज रख सकते हैं, टॉयलेटरीज रख सकते हैं, अपने परफ्यूम, डियो, कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं आराम से एंड इसे पैक कर सकते हैं। अगर आप शूज रखना चाहें तो आप दो शूज आराम से इसमें रख पाइएगा एंड इसे कुछ इस तरह से पैक कर दीजिएगा तो आपके शूज क्लोथ्स के ऊपर नहीं आएंगे। तो दोस्तों अगर टोटल कैपेसिटी की बात की जाए तो दोनों कंपार्टमेंट्स को मिलाकर टोटल कैपेसिटी होता है 78 लीटर। अगर आपको ये छोटा लग रहा है तो आप इससे बड़ा साइज का भी सूटकेस परचेज कर सकते हैं। ये मीडियम साइज का है एंड स्टैंडर्ड साइज है, बहुत ही अच्छा साइज है एंड आप आराम से इसे लेकर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। इससे बड़े साइज में अगर आप जाइएगा तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा सूटकेस हो जाता है, तो उसे मोर फ्रीक्वेंटली आप यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस साइज के सूटकेस को आप मोर फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा एंड डिसेंट साइज है। इसके साथ ही ये जो बैग है ये वाटर रेसिस्टेंट है, तो गलती से अगर पानी वगैरह गिर जाता है इस बैग के ऊपर तो वो पानी अंदर की तरफ नहीं जाएगा एंड आपके बिलोंगिंग्स बिल्कुल सेफ रहेंगे। सो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो ये सफारी का सूटकेस एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है एंड मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि इसमें पॉलीकार्बोनेट बॉडी यूज किया गया है जिसकी वजह से आपके बिलोंगिंग्स बिल्कुल सेफ रहेंगे एंड सफारी जैसे ब्रांड की तरफ से आ रहा है तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको कैसा लगा ये सफारी का सूटकेस हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक देखते रहिए प्रोडक्ट रिव्यू HD चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड दोस्तों हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।